तो फिर से स्वागत है आप सभी का टेक न्यूज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर गाइस आपको लेटेस्ट लीक्स, रूमर्स, अपकमिंग स्मार्टफोन और गैजेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही गाइस यार कमेंट भी जरूर किया कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके एक कमेंट से दोस्तों हमें ये पता चलता है गाइस कि हमें अपने चैनल के अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए। और गाइस आज ये टेक न्यूज शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर हॉनर से। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था गाइस कि हॉनर की तरफ से आपको मैजिक बुक एक्स सीरीज देखने को मिलने वाली है। फाइनली ये सीरीज चाइना के अंदर अब लॉन्च हो चुकी है। और दोस्तों आपको दो लैपटॉप देखने को मिलने वाले हैं, मैजिक बुक एक्स 14 और मैजिक बुक एक्स 15। दोस्तों यार इन दोनों ही लैपटॉप के अंदर आपको दो वेरिएंट्स भी देखने को मिलेंगे, i3 जनरेशन और i5 जनरेशन के दो प्रोसेसर के साथ में। दोस्तों यार इन लैपटॉप की प्राइसिंग जो गाइस वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं गाइस, ये लैपटॉप आपको देखने को कैसे मिलने वाले गाइस वो भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर निविया की गाइस। तो यार निविया बहुत जल्द अपनी जी सीरीज के एक नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है गाइस यहाँ पर निविया Z30 प्रो। तो यार इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर एक अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। और साथ ही गाइस यहाँ पर आपको 100x तक की टेलीफोटो यानी दोस्तों हाइब्रिड जूम का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। हालांकि दोस्तों ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर तो नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों ये स्मार्टफोन 20 मई को चाइना के अंदर अब लॉन्च होने वाला है। गाइस ये स्मार्टफोन आपको देखने को कैसा मिलने वाला है गाइस वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर सैमसंग की गाइस। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था गाइस कि सैमसंग की तरफ से बहुत ज़्यादा आपको सैमसंग गैलेक्सी A52 का 5G वेरिएंट भी इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो गाइस लेके चलो दोस्तों, बहुत जल्द आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि गाइस अब यहाँ पर A52 5G का जो सपोर्ट पेज है दोस्तों सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव हो चुका है, जिसका मतलब वो दोस्तों कि बहुत जल्द गाइस ये स्मार्टफोन अब आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो इसी के साथ में बात कर लेते हैं यहाँ पर सैमसंग की तरफ से एक महंगी खबर की गाइस। तो गाइस यार बहुत जल्द आपको सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 3 स्मार्टफोन भी देखने को मिलने वाला है। इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया हुआ गाइस, लेकिन दोस्तों अभी के लिए गाइस ये जो स्मार्टफोन होगा गाइस ये स्मार्टफोन चाइना की 3C सर्टिफिकेशन पर सर्टिफाई हो चुका है। तो अगर हम इस सर्टिफिकेशन की माने गाइस तो यहाँ पर आपको 15 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। इतना ही नहीं गाइस, यहाँ पर इसकी लॉन्च रेट और इसके साथ ही दोस्तों एक्सपेक्टेड प्राइस भी यहाँ पर लीक हो चुकी है। और दोस्तों अगर हम इस लीक की माने तो यार ये स्मार्टफोन 3 अगस्त को यहाँ पर लॉन्च हो सकता है। साथ ही गाइस इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है दोस्तों वो होगी अराउंड दोस्तों यहाँ पर 73K यानी दोस्तों 73,000 के आसपास में ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। गाइस यार इस फोन के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर ओप्पो की गाइस। तो दोस्तों ओप्पो की तरफ से बहुत जल्द आपको एक फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर गाइस आपको 7 इंचेस की LTPO डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और साथ ही गाइस बाहर की तरफ आपको यहाँ पर 2 इंचेस की भी डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। गाइस ये जो स्मार्टफोन है ये आपको कैसा देखने को मिलने वाला है गाइस वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। गाइस इसके कुछ यहाँ पर रेंडर सामने आ चुके हैं, जो कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ में गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर ओप्पो के एक और स्मार्टफोन की गाइस। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन है ओप्पो की तरफ से ओप्पो रेनो 6 प्रो, जिसके बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है गाइस। और अब ये स्मार्टफोन गाइस यार मलेशिया की सिरिम सर्टिफिकेशन पर सर्टिफाई हो चुका है, जिसका मतलब होगा इसकी ये स्मार्टफोन भी अब आपको बहुत जल्द एशियन मार्केट और इंडियन मार्केट के अंदर अब देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर पबजी की गाइस। यार तो पबजी भी दोस्तों बहुत जल्द आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है, लेकिन दोस्तों उससे पहले गाइस यहाँ पर इसका जो इंडियन लोगो होने वाला है दोस्तों बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का, वो भी यहाँ पर सामने आ चुका है, जिसे गाइस आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। गाइस फिर से बात करते हैं यहाँ पर सैमसंग की गाइस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था गाइस कि सैमसंग की तरफ से आपको बहुत जल्द एक नया टैबलेट देखने को मिलने वाला है, जिसका नाम है गाइस यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 लाइट। कि गाइस यार एक बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल टैबलेट होने वाला है, लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए गाइस ये टैबलेट TKDN की यहाँ पर सर्टिफिकेशन को सर्टिफाई कर चुका है, जिसका मतलब है गाइस कि बहुत जल्द ये टैबलेट भी आपको यार एशियन और इंडियन मार्केट में अब देखने को मिलने वाला है। गाइस अब बात करते हैं यहाँ पर वन प्लस की। दोस्तों गाइस अगर आप यहाँ पर वन प्लस यूजर है गाइस तो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज सामने आ रही है। गाइस काफी सारे ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने दोस्तों यहाँ पर वन प्लस की कम्युनिटी में जाके यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की थी यार वन प्लस की डिवाइसेस में सेपरेट तौर पर यहाँ पर एक थीम का यहाँ पर सेक्शन देखने को मिलना चाहिए। तो गाइस यार वन प्लस ने यहाँ पर ऑफिशियल तौर पर अब कन्फर्म कर दिया गाइस, वन प्लस का जो 12 वर्जन का अपडेट आएगा गाइस उस अपडेट के बाद दोस्तों आपको यार अपने फोन के अंदर यहाँ पर थीम के लिए एक अलग सेक्शन देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये न्यूज आपको कैसी लगी गाइस यार आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर रेडमी की गाइस। तो दोस्तों बहुत जल्द रेडमी की तरफ से आपको एक नया टीवी देखने को मिलने वाला है, जिसका कोड नेम है गाइस यहाँ पर टार्जन। गाइस ये टीवी दोस्तों यहाँ पर यार गूगल की सपोर्टेड डिवाइस के साथ में गाइस यहाँ पर गूगल प्ले कंसोल साइट पर भी लिस्ट हो चुकी है।
और दोस्तों आपको यार 2GB तक की रैम देखने को मिलेगी, मीडियाटेक T31 का प्रोसेसर, और साथ ही गाइस ये टीवी आपको एंड्रॉइड 10 वर्जन के साथ में देखने को मिलने वाली है। साथ ही गाइस ये टीवी आपको देखने को कैसे मिलने वाली गाइस वो भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। हाल के लिए गाइस ये स्मार्ट टीवी यार चाइना के अंदर लॉन्च होने वाली है, लेकिन दोस्तों ऐसी उम्मीद है गाइस कि बहुत जल्द ये टीवी आपको इंडिया के अंदर भी देखने को मिल सकती है। सो गाइस अब बात करते हैं यहाँ पर रियलमी की गाइस, तो रियलमी दोस्तों बहुत जल्द अपनी वी सीरीज के अंदर एक नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है चाइना में। पर गाइस सर इस स्मार्टफोन का नाम होगा दोस्तों यहाँ पर रियलमी V25, और दोस्तों ये स्मार्टफोन टेना सर्टिफिकेशन पर सर्टिफाई हो चुका है। इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगी 6.43 इंच की फुल HD प्लस वाली AMOLED डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon 768G का प्रोसेसर, 4400mAh की बैटरी, 32MP का सेल्फी कैमरा और 64MP का आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा बैक में। साथ ही गाइस यहाँ पर आपको 12GB तक की रैम और 256GB की इनबिल्ट स्टोरेज भी देखने को मिलने वाली है। और गाइस ये स्मार्टफोन आपको देखने को कैसा मिलने वाला गाइस वो भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। गाइस Xiaomi दोस्तों बहुत जल्द अपने Mi Pad 5 और Mi Pad 5 Pro को चाइना के अंदर लॉन्च करने वाला है। दोस्तों उससे पहले गाइस यहाँ पर यार Mi Pad 5 की स्पेसिफिकेशन यहाँ पर सामने आ चुके हैं। गाइस यहाँ पर आपको 10.5 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जहाँ पर गाइस आपको 2K की रिजोल्यूशन देखने को मिल सकती है। साथ ही गाइस यहाँ पर आपको 20MP का कैमरा, 4260mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और गाइस ऐसी उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 870 का प्रोसेसर भी देखने को मिल सकता है। तो इतना ही नहीं गाइस, यहाँ पर ये टैबलेट दोस्तों यार चाइना की 3C सर्टिफिकेशन पर अब सर्टिफाई भी हो चुका है, जिसका मतलब होगा इसकी बहुत जल्द ये टैबलेट अब चाइना के अंदर अब लॉन्च होने वाला है। गाइस अब बात करते हैं यहाँ पर आखिरी न्यूज की दोस्तों, लेकिन उससे पहले गाइस अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद है यार तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन को भी जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आखिरी न्यूज आ रही दोस्तों यहाँ पर पोको की तरफ से गाइस, पोको M3 Pro 5G गाइस ये स्मार्टफोन अपने इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन की इंक्लूजर प्रोसेस को यहाँ पर पूरा कर चुका है, जिसका मतलब होगा गाइस कि ये स्मार्टफोन अब आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। और गाइस ऐसी उम्मीद है गाइस कि ये स्मार्टफोन अब आपको यार मई एंड तक या फिर दोस्तों जून की स्टार्टिंग में ही अब देखने को मिल सकता है। सो गाइस यार आज की टेक न्यूज़ यहीं पर एंड होती है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।